नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब महंगी होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने कई सेवाओं के शुल्क बढ़ाए। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा महंगी हो गई है। नीतीश सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली कई सेवाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से गरीब बच्चों को बड़ा झटका लगा है जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने बिजली बिल से लेकर आईडी कार्ड बनवाने तक के शुल्क को सीधे दोगुना कर दिया है। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को यह आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के तहत अब इसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है, जबकि इसके पहले प्रवेश शुल्क के रूप में महज 15 से 20 रुपये देने पड़ रहे थे। विकास शुल्क के नाम पर माध्यमिक विद्यालयों में तो फीस वृद्धि नहीं की गई है और 80 रुपये विकास शुल्क देने होंगे, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विकास शुल्क में वृद्धि कर 160 रुपये से 200 रुपये कर दिए गए हैं। वहीं माध्यमिक स्कूलों में पुनः प्रवेश शुल्क और पलायन शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। बिहार में अब सरकारी शिक्षक ढूंढेंगे शराब। शराबबंदी में बुरी तरह फेल हुई सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में नीतीश सरकार ने पूरे सूबे की पुलिस को शराब ढूंढने के काम में लगा रखा है। उसके अलावा मद निषेध और उत्पाद विभाग का लंबा चौड़ा दस्ता शराब रोकने के लिए लगा है। शराब रोकने के लिए नई बहाली हो रही है, लेकिन सरकार की सारी कवायद फेल है। लिहाजा अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ सेवक और तालीमी मरकज के सेवकों को शराब ढूंढने के काम में लगाने का आदेश जारी किया गया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्यभर के सरकारी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी कर दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पूरे राज्य के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में क्या आदेश दिया गया है उसे हम हूबहू आपके सामने रख रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि अभी भी कतिपय लोगों द्वारा चोरी छुपे शराब का सेवन किया जा रहा है। इसे रोकना अति आवश्यक है। इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षा समिति के बैठक आहूत कर नशा मुक्ति के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी जाए। साथ ही प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं, शिक्षा सेवकों, तालीमी मरकज से शिक्षा सेवकों और विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे चोरी छुपे शराब पीने वाले या आपूर्ति करने वाले की पहचान कर मद निषेध विभाग के मोबाइल और टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जीतन राम मांझी ने किया स्वागत। प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने स्वागत किया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि सरकारों की गलत नीतियों के कारण आजादी के करीब 75 साल बाद भी SC/ST को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सका है, जो शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कार्रवाई जल्द शुरू करे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए कोई मानदंड तय करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। पिछले 24 घंटे में मिले 1654 केस, पटना में 221 संक्रमित। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर लगातार कमजोर पड़ती नजर आ रही है। बीते हफ्ते भर से कोरोना के संक्रमण के आंकड़ों में लगातार कमी आई है। आज एक बार फिर से बिहार में संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में कुल 1654 नए संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में इसके साथ ही संक्रमण के कुल एक्टिव केसों की संख्या 8993 हो गई है। बिहार में पॉजिटिविटी रेट 1.09 पर जा पहुंचा है। 26 जनवरी को राज्य के अंदर पॉजिटिविटी रेट 1.26% था। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 18 एजेंडों पर लगी मुहर। 3 हफ्ते के अंतराल के बाद हुई नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बीते शुक्रवार को खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट ने कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई है। राज्य कैबिनेट ने बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस में आर्मी के सेवानिवृत्त जवानों के लिए कुल 17,000 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित सेवा को विस्तार देने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने की नीति पर भी मुहर लगाई है। भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक गाड़ियों की स्क्रैपिंग सुविधा का लाभ लेने वाले लोगों को छोटे कोलैप्स भी दिया जाएगा। परिवहन वाहनों को स्क्रैप कराए जाने पर 15% की छूट मोटर वाहन कर में दिया जाएगा, जबकि गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर 25% छूट होगी। इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए सभी सरकारी स्कूलों में
बच्चों को दो दो मास्क उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके तहत आने वाले खर्च पर 51,76,52,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार में इस साल सबसे लंबी अवधि की रही ठंड, क्लाइमेट चेंज का मौसम पर दिख रहा है असर। बिहार से जुड़े सर्वकालीन मौसमी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी सर्वाधिक ठंडी जा रही है। मौसम विज्ञानी जनवरी 2022 की अब तक पड़ी ठंड को सबसे लंबी अवधि की प्रभावशाली शीत बता रहे हैं। इस साल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में 18 से 20 दिन कोल्ड डे दर्ज किए गए, यह सामान्य से करीब 4 गुना अधिक है। इसी तरह इस मकर संक्रांति के बाद तक लगातार शीतलहर बने रहना दुर्लभ मौसमी घटनाक्रम का माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर सीएम नीतीश कुमार काम पर वापस लौटे, इस विभाग की कर रहे हैं समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम पर लौट आए हैं। कोरोना संक्रमित होने के कारण वो विभागीय कामों से दूर थे। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद एक बार फिर उन्होंने वापसी कर ली है। सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को स्वस्थ होने के बाद पहली बार समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित अपने कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार पथ निर्माण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। इंटर परीक्षा के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी होने या गुम होने पर भी एग्जाम की अनुमति जाने शर्त। बिहार बोर्ड 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 14 फरवरी तक चलने वाली है। इस परीक्षा के लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना काल और ठंड के बीच आयोजित की जा रही इस परीक्षा में बोर्ड ने एक तरफा जहां परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दे दी है, वहीं वैसे परीक्षार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है जिनके पास एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई है। बोर्ड ने वैसे परीक्षार्थियों के लिए ये इंतजाम किए हैं। वैसे परीक्षार्थी जिनके प्रवेश पत्र में फोटो की त्रुटि हो गई है उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। जिन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में फोटो में अगर गड़बड़ी हो या किसी अन्य तरह की तस्वीर छपी हो तो छात्रों को पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। छात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा फोटोयुक्त बैंक का पासबुक लेकर परीक्षा केंद्र पर आए। इसके साथ ही पहचान पत्र की छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री रानी चटर्जी ने ली कांग्रेस की सदस्यता। प्रियंका गांधी के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन रानी चटर्जी ने राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया है। रानी चटर्जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। इस बात की जानकारी रानी चटर्जी ने खुद सोशल मीडिया पर दी है, जिसके बाद से लगातार उन्हें फैंस बधाइयां दे रहे हैं। भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रही है। रानी चटर्जी लिखती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये वही नारा है जिसके सहारे प्रियंका गांधी अपने विरोधियों पर हमला बोल रही है। इस तस्वीर के साथ कैप्शन में रानी चटर्जी ने प्रियंका गांधी को धन्यवाद लिखा है। रानी लिखती है कि एक और लड़की लड़ने के लिए तैयार है। प्रियंका जी के अभियान लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के साथ जुड़कर मैंने एक नई अध्याय की शुरुआत की है। आज प्रियंका गांधी जी से दिल्ली में मुलाकात हुई, साथ में मुंबई कांग्रेस के युवा नेता मेरे मित्र सूरज सिंह ठाकुर से भी मुलाकात हुई। रानी चटर्जी ने जैसे ही तस्वीरें पोस्ट कर बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, तब से लगातार उनके फैंस की तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में किया गया बदलाव, जानिए पूरी डिटेल। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इन बदलावों को अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है वहीं से स्थायी लाइसेंस भी बनेगा। वहां चालक अब दूसरे जिले से स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। इस मामले में परिवहन विभाग ने बिहार के सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को लेटर लिखकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि अब तक कोई भी लर्निंग लाइसेंस कहीं से भी स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन था। इस वजह से जिन जिलों ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य है वहां से लर्निंग लाइसेंस बनाकर दूसरे जिलों में जाकर बिना टेस्ट दिए स्थायी लाइसेंस बना लेते थे। इससे वाहन चालक गाड़ी चलाना नहीं सीखते थे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। परिवहन विभाग ने ठीक से नहीं सीखने की वजह से हादसे होने की बात कही थी। आपको बता दें कि पटना में 3 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन
सहित ऑनलाइन टेस्ट का भी स्लॉट बुक नहीं हो रहा था, लाइसेंस फेल हो रहा था। उन्होंने दूसरों जिलों में जाकर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है। स्थायी लाइसेंस के लिए 2300 रुपये का चालान काटना पड़ता है, अलग से स्लॉट बुक करने का 50 रुपये देने पड़ते हैं। अब इससे हजारों आवेदकों का लाइसेंस फंस सकता है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।